सावधान, भारत में आने वाली है कोरोना की चौथी लहर। 40 दिन में कोरोना की चौथी लहर का खतरा। कोरोना के पिछले ट्रेंड से आज के हालातों की तुलना। जनवरी में कोरोना बरपा सकता है कहर। चीन, जापान, अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना का कहर बरप रहा है, जिसे लेकर दुनिया के सामने एक बार फिर कोरोना का बड़ा संकट पैदा हो गया है। चीन में संक्रमण तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, जापान में रिकॉर्ड मौतें हो रही हैं। इस बीच भारत में भी चौथी लहर का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगले 40 दिन बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि जनवरी में मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि चीन, जापान, अमेरिका में जिस तरह से कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं, उसे देखते हुए भारत के लिए जनवरी का महीना काफी अहम होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि 30 से 40 दिनों तक लोगों को बहुत सतर्कता बरतनी होगी। मास्क पहनने समेत कोविड से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कोविड की पिछली लहरों का ट्रेंड देखें तो चीन, जापान, कोरिया में केस बढ़ने के 10 दिन बाद यूरोप और उसके बाद अमेरिका, लैटिन अमेरिका के देशों में केस बढ़ते हैं। फिर भारत में भी मामलों में इजाफा होता है। अगर इस बार भी ऐसा ही ट्रेंड रहा तो जनवरी में देश में कोरोना के केस बढ़ सकते हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की दर कम रहेगी, ये अंदाजा एक्सपर्ट्स ने लगाया है। भारत में चौथी लहर की आशंका का अंदाजा लगाने के लिए कोरोना के नए वेरिएंट से बेहाल मौजूदा देशों का कोरोना ट्रेंड देखा जा सकता है, क्योंकि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी हटने के बाद संक्रमण में अचानक बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। चीन सही आंकड़े नहीं दे रहा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहां हर दिन लाखों नए मामले सामने आ रहे हैं और हजारों मौत हो रही हैं। चीन के अलावा अमेरिका और जापान में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जापान में बुधवार को कोरोना से 415 लोगों की मौत हो गई। ये जापान में एक दिन में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि इन देशों में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 संक्रमण बढ़ा रहा है। ये सब वेरिएंट कहीं ज्यादा संक्रामक है। इससे संक्रमित एक व्यक्ति 16 लोगों को संक्रमित कर सकता है। भारत में भी BF7 के मामले सामने आ चुके हैं। सूत्रों ने बताया है कि 2 दिन में विदेशों से आए 6000 यात्रियों में से 39 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं दूसरी ओर दुनिया में कोरोना के हालातों को देखते हुए इसे डर कहें या सरकार की अपील का असर, बूस्टर डोज लगवाने वाले और राज्यों में इसकी मांग भी तेजी से बढ़ी है। इस साल 19 दिसंबर से तुलना करें तो 10 दिन में तीसरी डोज लगवाने वाले 3 गुना बड़े हैं। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बूस्टर डोज की डिमांड तेजी से बढ़ी है और इन राज्यों ने केंद्र सरकार से और ज्यादा वैक्सीन की मांग की है। मंत्रालय इन राज्यों को वैक्सीन मुहैया करवा रहा है। वहीं नेजल वैक्सीन 26 जनवरी से देश में लगनी शुरू हो जाएगी। लिहाजा विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों को ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट से बचाव के लिए कोरोना नियमों का पालन और वैक्सीनेशन को अपनाना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ महीनों से ये वेरिएंट भारत में मौजूद है, लेकिन हमें सभी तरह की स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड से जंग की सभी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। मॉक ड्रिल हुई है, अस्पताल में बेड से लेकर वेंटिलेटर, मेडिकल ऑक्सीजन समेत हर पहलू को जांचा जा रहा है, ताकि कोरोना के नए खतरे से देश में गंभीर हालात ना बने। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।